आज हम लोग इस वीडियो में क्लास सिक्स के मैथमेटिक्स के 20 चैप्टर मेंसुरेशन को देखेंगे। यह हम लोगों का सेकेंड वीडियो है। हम लोगों को एक्सरसाइज है 20.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ 6 सेंटीमीटर विड्थ 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वन नंबर, इसमें लेंथ और विड्थ दिया हुआ है, इसका एरिया पूछ रहा है। हम लोग लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कितना है, 6 सेंटीमीटर। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितना है, 6 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही निकल गया रेक्टेंगल का एरिया। इसका और दो क्वेश्चन है, तुम लोग इसे खुद ट्राई करना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर। इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज, साइड दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, स्क्वायर का एरिया हमें निकालना है। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, 5 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ एंड विड्थ आर ट्रेबल्ड। उसका लेंथ और विड्थ ट्रेबल यानी तिगुना हो जाता है, तब उस रेक्टेंगल का एरिया पूछ रहा है। हम लोग मानते हैं लेट दी लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल बी एल एंड बी रेस्पेक्टिवली ओरिजिनल लेंथ, लेट दी ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल बी एल एंड बी रेस्पेक्टिवली। देयरफॉर ओरिजिनल एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, क्या हो गया एल बी। अब क्या कह रहा है, इफ लेंथ एंड
विड्थ आर टेबल्ड, लेंथ और विड्थ टेबल्ड यानी तिगुना हो जाता है, देन न्यू लेंथ, न्यू लेंथ कितना हो जाएगा, न्यू लेंथ को हम लोग एल डैश कह रहे हैं, 3L एंड न्यू विड्थ बी डैश कितना हो जाएगा, 3B देन देयरफॉर न्यू एरिया इज इक्वल्स टू एल डैश इंटू बी डैश क्या हो जाएगा, 3L इंटू 3B इज इक्वल्स टू 9LB. Thus, thus the new area of a rectangle will become 9 times that of its original area. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इफ इट्स साइड इज ट्रिपल्ड. यदि किसी स्क्वायर के साइड को ट्रिपल्ड कर दिया जाए तो उसका एरिया क्या होगा. तो सबसे पहले हम लोग ओरिजिनल साइड ऑफ स्क्वायर देखते हैं. लेट दी ओरिजिनल साइड ऑफ ए स्क्वायर बी ए, देयरफॉर इट्स ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, देयरफॉर ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. अब क्या कह रहा है, इफ इट्स साइड इज टेबल्ड, इफ इट्स साइड इज टेबल्ड देन न्यू साइड विल बी 3A देयरफॉर न्यू एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड 3A इंटू 3A इज इक्वल्स टू 9A स्क्वायर. इसका ओरिजिनल एरिया कितना है, ए स्क्वायर, और न्यू एरिया कितना हो गया, 9A स्क्वायर. तो इसमें भी 9 टाइम्स अधिक हो जाएगा. दस दी एरिया ऑफ स्क्वायर विल बिकम 9 टाइम्स दैट ऑफ इट्स
ओरिजिनल एरिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है इंक्रीज बाय हाफ ऑफ इट, उसका साइड कितना बढ़ रहा है, हाफ ऑफ इट। इसे भी हम लोग बनाते हैं। पहले ओरिजिनल साइड लिखते हैं, स्क्वायर का ओरिजिनल साइड। लेट दी ओरिजिनल साइड ऑफ स्क्वायर बी ए, देयरफॉर ओरिजिनल एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड, कितना बढ़ रहा है, बाय हाफ ऑफ इट, हाफ ऑफ इट, देन न्यू साइड विल बी, न्यू साइड कितना हो जाएगा, पहले ए था अब हाफ उसमें बढ़ रहा है, ए बाई टू, ये फ्रैक्शन का एड जिस तरह से सॉल्व करते हैं उसी तरह से हमें सॉल्व करना है, टू ए प्लस ए इज इक्वल टू थ्री ए बाई टू, ये हमारा स्क्वायर का न्यू साइड हो गया थ्री ए बाई टू। देयरफोर न्यू एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है, हम लोग लिखेंगे थ्री ए बाई टू इंटू थ्री ए बाई टू इज इक्वल टू नाइन ए स्क्वायर बाई फोर। हम लोगों का ओरिजिनल एरिया कितना था, ए स्क्वायर, अब कितना हो गया नाइन बाई फोर ए स्क्वायर, यानी नाइन बाई फोर अधिक हो जाएगा, दस द एरिया ऑफ स्क्वायर विल बिकम नाइन बाई फोर टाइम्स दैट ऑफ इट्स ओरिजिनल एरिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। इसमें कह रहा है ए रेक्टेंगल हैज द एरिया इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 80 सेंटीमीटर, इफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर फाइंड इट्स लेंथ। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का एरिया इक्वल है और स्क्वायर का साइड 80 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल का विड्थ 20 सेंटीमीटर है, तो रेक्टेंगल का लेंथ पूछ रहा है। हम लोग इसे भी सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, 80 सेंटीमीटर, देयरफोर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा,
साइड इंटू साइड, साइड कितना है स्क्वायर का, साइड 80 × 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे कितना आया, स्क्वायर का साइड इतना आया। अब बुक में क्या दिया हुआ है, गिवन दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी जितना स्क्वायर का एरिया है उतना ही रेक्टेंगल का एरिया है, दोनों इक्वल है। तो हम लोगों ने स्क्वायर का एरिया निकाला है 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया मेरा रेक्टेंगल का भी हो गया। अब क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया बाय विड्थ। एरिया हम लोगों ने कितना निकाला है 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और विड्थ कितना है 20, इसे हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, कितना आ गया 320 सेंटीमीटर, ये हम लोगों का निकल गया रेक्टेंगल का लेंथ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए मार्बल टाइल मीजर 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए वॉल ऑफ साइज 3 मीटर एंड 4 मीटर, ऑल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 2 पर टाइल्स। इस क्वेश्चन में मार्बल टाइल्स का डायमेंशन दिया हुआ है और वॉल का भी डायमेंशन दिया हुआ है, तो पूछा जा रहा है कि वाल को कवर करने में कितने टाइल्स लगेंगे, और साथ ही साथ जितने टाइल्स लगेंगे उसका कॉस्ट भी पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले मार्बल टाइल्स और वाल दोनों का जो डायमेंशन का यूनिट दिया हुआ उसे हम लोग सेम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, डायमेंशन ऑफ द मार्बल टाइल कितना, 10 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, फिर हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ द वॉल कितना है 3 मीटर इंटू 4 मीटर। यहाँ पर हम लोगों का यूनिट यहाँ वॉल का मीटर में है और टाइल्स का सेंटीमीटर में है, तो वॉल को भी हम लोगों को कन्वर्ट कर लेना होगा सेंटीमीटर में। तो 3 इंटू हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 300 सेंटीमीटर इंटू 400 सेंटीमीटर। अब हम लोग टाइल्स का मार्बल टाइल्स का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ मार्बल टाइल्स इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ।
कितना होगा 10 × 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम लोग एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा 300 × 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर ए वॉल, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ वॉल बाय एरिया ऑफ ए मार्बल, ए टाइल्स लिख सकते हैं। एरिया ऑफ वॉल कितना है, एरिया ऑफ मार्बल से कैंसिल कर रहे हैं, कितना आया 1000 टाइल्स। अब पूछ रहा है एक टाइल्स का दाम 2 रुपीज है, तो हम लोगों को 1000 टाइल्स का कॉस्ट निकालना होगा। दस दी टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर टाइल्स, तो क्या हो जाएगा कितना टाइल्स हम लोगों ने निकाला 1000, 2 × 1000 इज इक्वल्स टू 2000, कितना आ जाएगा 2000 रुपीज। ये एक आंसर हम लोगों का ये हुआ, एक आंसर ये। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन स्प्लिट इंटू रेक्टेंगल्स, फाइंड दियर एरियाज, दी मीजर्स आर गिवेन इन सेंटीमीटर्स। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, उसका एरिया निकालना है, इस पूरे डायग्राम का एरिया निकालना है। यहाँ पर सिर्फ डिजिट दिया हुआ है, इसका लेंथ ब्रेथ जो भी है, ये सारे यूनिट्स हमारे सेंटीमीटर में हैं, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन सारे सेंटीमीटर्स में हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम को एक इमेजिनरी लाइन से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, जैसे 1 पार्ट 2, इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, दो शेप जो है 4 पार्ट में डिवाइड किए, 1, 2, 3 और 4, इसमें से 2 शेप जो हमारा किस रूप में बन रहा है, रेक्टेंगल के फॉर्म में, 1 और 3 रेक्टेंगल के फॉर्म में बन रहा है। और फिगर 2 यानी पार्ट 2 और 4 स्क्वायर के शेप में बन रहा है। तो इस तरह से इस चारों पार्ट का, 4 पार्ट्स का हम लोग एरिया निकाल लेंगे, जो रेक्टेंगल के फॉर्म में है उसे उसमें रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो स्क्वायर का फॉर्म में है उसमें स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इन चारों पार्ट का एरिया निकाल के हम लोग चारों का जो एरिया निकलेगा उसे
ऐड कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग इसे अब सॉल्व कर रहे हैं। इन दिस फिगर देयर आर टू रेक्टेंगल्स, वन एंड थ्री, दो रेक्टेंगल्स हैं एंड टू स्क्वायर्स, टू एंड फोर। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन। ये रेक्टेंगल का है तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ कितना हो जाएगा, फोर इंटू टू इज इक्वल्स टू, ये फोर और ये टू, कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ, ये क्या है स्क्वायर, क्योंकि ये इसको यहाँ से यहाँ फोर है, यहाँ से यहाँ वन हट गया, तो ये कितना बचा मेरा थ्री, ये इसका लेंथ हुआ थ्री और ये भी मेरा विड्थ थ्री दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर टू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री इंटू थ्री इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट नंबर हुआ, ये सेकेंड नंबर। अब हम लोग इसका निकालेंगे एरिया ऑफ, ये किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। यहां से यहां मेरा कितना है थ्री, ये मेरा थ्री हुआ तो ये भी मेरा थ्री है, उसमें से दो ये हट गया, ये हट गया तो ये कितना बचा मेरा वन, और यहां टू दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा तीसरा का एरिया निकल गया। अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ये किस रूप में हम लोगों को दिख रहा है, यहां से यहां थ्री है और ये थ्री है, यहां हम लोग इसे इमेजिन लाइन से इसे ड्रॉ किए, ये पूरा फोर है, इसमें से यहां वन हट गया, ये वन निकला तो ये वन यहां से हटा तो कितना बच गया, ये थ्री, ये भी थ्री, ये थ्री है और ये भी थ्री है। तो क्या हो, ये किस रूप में हो गया मेरा, स्क्वायर के रूप में। एरिया ऑफ स्क्वायर फोर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड कितना है 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फोर्थ का एरिया निकल गया। देयरफोर एरिया ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8 + 9 + 2 + 9। ये चारों को हम लोग लेते हैं, इसे हम लोग ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 times ऑफ इट्स विड्थ, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 8√10 मीटर देन द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक रेक्टेंगल है उसका लेंथ विड्थ से 3 times अधिक है और उस रेक्टेंगल का डायगोनल दिया हुआ है, तो उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ये मेरा विड्थ हुआ एक्स मीटर, ये लेंथ हो जाएगा 3x और ये हमारा AC डायगोनल है। तो हम लोग लिखते हैं ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड AC इज द डायगोनल, लेट विड्थ बी एक्स मीटर, विड्थ हमारा एक्स मीटर है, देन इट्स लेंथ बी 3x।
अब हम लोग इस ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी। जब ये रेक्टेंगल है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 90 डिग्री के सामने हमारा डायगोनल रहता है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है ये हमारा डायगोनल रहता है। तो अब हम लोग ट्रायंगल एबीसी में लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसका डायगोनल का होल डायगोनल इज इक्वल्स टू यानी ए सी स्क्वायर, डायगोनल हमारा ए सी है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस विड्थ स्क्वायर। तो लेंथ कितना है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब ए सी कितना है, 8√10 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना है, 3x का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है, x का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 8√10 का होल स्क्वायर को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, 8√10 इसे इस तरह से करते हैं, 8√10 × 8√10 तो क्या हो गया, 8 को पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 और √10 × √10 जैसे √10 ये हुआ तो 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 10 कितना आ गया, यही हम लोगों ने यहाँ डायरेक्ट लिखा है। इज इक्वल्स टू 3 × 3 = 9 तो 9x² प्लस x² 10x² x² इज इक्वल्स टू कितना आया, x² इज इक्वल्स टू 64 तो x इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, 8 मीटर। एक्स हम लोगों ने क्या माना है, विड्थ, विड्थ इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 8 मीटर। लेंथ क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 3 × 8 इक्वल्स टू 24 मीटर। लेंथ और विड्थ हम लोगों का निकाल चुके हैं, अब हम लोग निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, 2l + b। 2 लेंथ कितना है, 24, विड्थ कितना है, 8। 2 × इसे मल्टीप्लाई किए इतना मीटर, पेरीमीटर निकल गया उस रेक्टेंगल का 64 मीटर। अब तुम लोग जितना जो भी क्वेश्चन छूट गया उसे ट्राई करेगा, ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हुआ।